हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू उर्मी किचन। सो आज हम लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए चिली पोटैटो की रेसिपी लेकर। सो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा हमारे चैनल को। साथ के साथ आप हमें इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए चिली पोटैटो की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कैसे बनता है चिली पोटैटो और क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स डलेंगे इसके अंदर। चिली पोटैटो बनाने के लिए सबसे पहले हमने दो कच्चे आलू ले लिए। आपको जितने चिली पोटैटो बनाने हैं आप उतने कट कर सकते हैं। सो हम इसको चिली पोटैटो की शेप में कट कर लेंगे। देखिए ऐसे लंबी लंबी शेप में। तो गाइस देखिए हमने सारे आलू अच्छे तरह से कट कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे 4 बड़ी चम्मच अरारोट। इसलिए हम डालेंगे क्योंकि जो हमारे जो चिली पोटैटो हैं बाद में क्रिस्पी एंड क्रंची बनेंगे। सो हम इसके अंदर डाल देंगे 4 बड़ी चम्मच अरारोट। आलू और अरारोट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए ऐसे हाथों से। अगर आपको ये ज़्यादा ड्राई ड्राई फील सा हो तो आप इसके अंदर 1 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। आपको पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना। पानी ऐड कर लेंगे फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे। अब हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई के अंदर हमने डाल दिया है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल गर्म होने के बाद इसमें एक एक करके हम आलू डालते जाएंगे। मीडियम फ्लेम रखनी है, आपको ये ध्यान रखना है। इसमें एक एक करके आपको डालना है आलू। आलू को अच्छी तरह से फ्राई होने के कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक इसके अंदर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता और क्रिस्पीपन नहीं आ जाता, तब तक इसे हम चलाते रहेंगे बीच बीच में भी। सो गाइस देखिए 4-5 मिनट बाद आलू का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। देख सकते हो आप, बिल्कुल रेड रेडिश सा कलर आ चुका है इसके अंदर और इसमें क्रिस्पीपन की आवाज़ भी आने लग गई है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे प्लेट के अंदर और गैस को ऑफ कर देंगे। सो गाइस देखिए आलू अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम मेन रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं चिली पोटैटो की। सो हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे अब। सो हमने ले लिया है सबसे पहले शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ एक शिमला मिर्च ले लिया है हमने। 2 हरी मिर्च ले लिए हमने, बीच में से कट कर लिए हैं, देख सकते हो आप। आपको जितना स्पाइसी पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। सो हमने ले लिया एक बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बड़ी चम्मच हमने अरारोट घुला हुआ ले लिया है, थोड़ी सी हमने हरी प्याज ले ली है बारीक कटी हुई, 1 छोटी चम्मच हमने ले लिया है विनेगर, और हमने ले लिए हैं चिली फ्लेक्स, और हमने ले लिया है ये केचप, और लास्ट हमने ले लिया 1 छोटी चम्मच तिल। अब हम ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। सो हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल गर्म होने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे सारी प्याज, हमने बारीक कट कर ली थी। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे इसके अंदर हम डाल देंगे शिमला मिर्च जो हमने लिया था बारीक कटा हुआ, और इसके अंदर हमने हरी मिर्च भी डाल दिए हैं। अब हम इसके अंदर थोड़े से तेल ऐड कर लेंगे। तेल ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम डाल देंगे 2 छोटी चम्मच नमक और 2 छोटी चम्मच इसके अंदर हम डाल देंगे रेड चिली पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे पानी, 1/2 ग्लास पानी डालेंगे इसके अंदर। इसकी ग्रेवी बनाएंगे अब हम। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे केचप जो हमने ली थी 1 बड़ी चम्मच, इसके बाद हम डाल देंगे विनेगर जो हमने लिया था 1 छोटी चम्मच। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे रेड चिली सॉस 1 बड़ी चम्मच। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप इसके अंदर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं रेड चिली सॉस। फिर इसके बाद हम डाल देंगे अरारोट जो हमने घोल लिया था अच्छी तरह से, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को।
अब इसके अंदर हम चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। अगर आपको फूड कलर भी ऐड करना हो तो आप कर सकते हैं। सो देख सकते हो आप ये ग्रेवी काफ़ी ज़्यादा थिक होने लग गई है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने आलू फ्राई करे थे अच्छी तरह से, देखिए सारे डाल देंगे ऐसे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट अच्छी तरह से चलाने के बाद गैस को ऑफ कर देंगे और देख सकते हो आप ये सारे चिली पोटैटो अच्छी तरह से बनकर रेडी हो चुके हैं। अब इसे हम प्लेट में सर्व कर लेंगे। देख सकते हो आप कितने ज़्यादा टेस्टी दिख रहे हैं चिली पोटैटोज। ऊपर डेकोरेशन के लिए हमने डाल दी हरी प्याज बारीक कटी हुई और तिल, कितने ज़्यादा यम्मी दिख रहा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पर। सो गाइज देखिए बिल्कुल बाजार जैसे चिली पोटैटोज बनकर रेडी हो चुके हैं। अगर आपको चिली पोटैटोज पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा हमारे चैनल को। साथ के साथ आप हमें इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी और ये भी बताइएगा कि अगली वीडियो में हम आपके लिए क्या नई रेसिपी लेकर आ सकते हैं। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे नई नई वीडियोस की। चलिए अब मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी ही किसी नई रेसिपी के साथ।